हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेड गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं एक छोटा सा वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये कुछ देखिए, ये सीड्स हैं। मैं आज इन सीड्स को ग्रो करने वाली हूँ, इन सीड्स को ग्रो करने जा रही हूँ, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे कैलेंडुला के सीड्स हैं। लास्ट ईयर जो मेरे पास कैलेंडुला जो विंटर सीज़न में फ्लावरिंग करते हैं प्लांट्स, उनका कैलेंडुला का ये मेरे पास प्लांट था, तो उसमें से मैंने उसके फ्लावर से मैंने सीड कलेक्ट किए थे, तो वो सीड रखे हुए हैं मेरे पास, वही आज मैं ग्रो करने जा रही हूँ। तो देखिए, इसके लिए मैंने लिए हैं फ्रेंड ये कंटेनर हैं, ये बिस्किट के कंटेनर जो खाली होते हैं, सॉरी ये बॉक्स टाइप के जो खाली होते हैं, बिस्किट आते हैं, वही मैंने लिए हैं। और ये बहुत अच्छे होते हैं, ये आप कभी ना फेंकें, इनको रख लिया करें। और ये सीड्स वगैरह को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। या कुछ आपको कोई चीज़ रखना है, या आप इसके हैंगिंग प्लांटर भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ये बॉक्स बहुत काम आते हैं। तो ये देखिए, कुछ मेरे पास जो हैं ये सीड मैंने कलेक्ट करके रखे थे लास्ट विंटर के फ्लावरिंग प्लांट के कैलेंडुला के, तो यही मैं आज ग्रो करूँगी। तो इसके लिए कैसी मिट्टी बनाना है, कैसे ग्रो करना है इसको, और किस चीज़ में ग्रो कर सकते हैं हम लोग, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ स्टार्टिंग से एंड तक हमारे वीडियो पर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए, मैंने ये दो ऐसे डिब्बे लिए हैं बिस्किट के खाली जो कंटेनर होते हैं, ये लिए हैं। और इसमें ये नेट थी मेरी, एक आरओ से निकली, आरओ का जो फिल्टर चेंज होता है उसके अंदर ये नेट निकलती, वो मैंने रख ली थी, वो मैंने नीचे होल कर लिए इन बॉक्सेस में। और उसमें जो एक नेट रख ली और एक में ये कपड़ा रख लिया है मैंने नीचे, ताकि पानी जो है अच्छे तरह से ड्रेन हो जाए। और ये मैंने पहले से मिट्टी बना के रखी हुई है, इस मिट्टी में जो है गार्डन सॉयल है हमारी, और कोकोपीट है, और वर्मी कंपोस्ट है, और नीम खली है, ये सब मिक्स करके मैंने मिट्टी बना के इकट्ठा बहुत सी रख ली थी, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। देखिए, इन बॉक्सेस में मिट्टी को इस तरह से आप फिल कर लीजिए, मिट्टी को भर लीजिए बॉक्स को अच्छी तरीके से। और मिट्टी आपको ऐसी बनाना है कोई भी सीड्स ग्रो करने के लिए, कि आपके मतलब बॉक्स में से या जो भी पॉट आप लें उसमें से पानी जो है ड्रेन आउट हो जाए अच्छी तरीके से, पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी अगर रुकेगा तो आपके सीड्स जो है सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, और सीड्स ग्रो नहीं होंगे। देखिए, दोनों बॉक्सेस में मैंने मिट्टी को भर लिया है, बहुत ही वेल ड्रेन और भुरभुरी मिट्टी है, आप लोग देख सकते हैं मिट्टी कितनी अच्छी है, ये देखने से ही अंदाज़ा लग जाता है। इसमें कोकोपीट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिला हुआ है, तो इसलिए मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी है। और ये देखिए, ये सीड्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये कैलेंडुला के सीड्स हैं, येलो कलर के फ्लार आते हैं इसमें, बहुत प्यारे फ्लार आते हैं, और बहुत लास्ट तक ये फ्लारिंग करता है, स्टार्टिंग गर्मी जब समर का सीज़न स्टार्ट होता है जब तक ये फ्लारिंग करता रहता है। अभी से अगर हम लोग अपने सीड्स को ग्रो करेंगे तो हमारे सीड्स जो हैं फ्लावरिंग के टाइम तक जो हैं तैयार हो जाएंगे प्लांट बनके, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे हमारे प्लांट। तो देखिए, इस तरह से मैंने सीड्स थोड़े ज़्यादा डाल दिए, इसलिए कोई सीड्स जो है जर्मिनेट होगा कोई नहीं होगा, सभी सीड्स बहुत हेल्दी नहीं है, इसमें कुछ थोड़े वीक टाइप के सीड्स हैं और कुछ अच्छे सीड्स हैं, इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा डाल दिए हैं, जितने भी सीड्स ग्रो होंगे हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने जो है दोनों बॉक्सेस में जो है सीड्स को फैला दिया है, और ऊपर से एक लेयर, पतली सी एक लेयर इसी मिट्टी की मैं डाल रही हूँ, जिससे ये सीड्स कवर हो जाएं, और ऊपर से हल्के हाथ से इसमें पानी भी छिड़कना है, पानी डालना है जी। ये देखिए, मिट्टी को हल्के हल्के हाथ से जो इस तरह से इसके ऊपर से कवर कर देना है फ्रेंड। ये देखिए, इस तरह से मिट्टी को आप डाल देंगे ऊपर से, सारे सीड जो हैं वो कवर हो जाएं, दिखे नहीं, ताकि वो पानी से, पानी जब डाला जाएगा इसमें तो खुल ना जाएं और बाहर ना निकल जाएं। ये देखिए, और मिट्टी को दबाना नहीं है हाथ से, बस ऐसे ही बिल्कुल भुरभुरा और सॉफ्ट रखना है मिट्टी को, टाइट नहीं करना है उसमें, हाथ से दबा दबा के नहीं करना है, बस ऊपर से हल्के हाथ से मिट्टी को छिड़क दीजिए जी। और बहुत ज़्यादा मिट्टी भी नहीं डालना है, कि सीड्स बहुत गहराई में चले जाएं और उनको जर्मिनेट होने में दिक्कत हो, और बाहर अंकुर जो उसका निकलता है वो बाहर आने में दिक्कत हो। इस तरह से जो है हम लोग अपने दोनों बॉक्स को तैयार कर लेंगे, मिट्टी को हल्के हल्के हाथ से ऊपर से डाल लेंगे इसमें थोड़ा सा। जी तो फ्रेंड देखिए, दोनों बॉक्सेस में मैंने मिट्टी से सीड्स को कवर कर दिया है। मिट्टी बहुत अच्छी बनाना है आपको सीड्स ग्रो करने के लिए। मिट्टी अगर आप चिकनी और टाइट वाली मिट्टी लेंगे तो सीड्स कभी ग्रो नहीं होंगे उसमें सही से,
मिट्टी को ऐसा रखना है बिल्कुल सॉफ्ट एकदम भुरभुरी टाइप की मिट्टी बनाइए, सैंड भी होना चाहिए। मेरी मिट्टी में जो मेरी गार्डन सॉयल पहले से थी मेरे पास, उसमें जो है सैंड मिक्स है, मैं सैंड हमेशा मिक्स करके ही मिट्टी तैयार करती हूँ। कोई भी किसी भी पॉट में मेरे पानी कभी नहीं रुकता है, और अगर कभी रुक जाता है तो वो प्लांट फिर बचता भी नहीं है। अगर कभी देख नहीं पाती हूँ तो वो प्लांट जो है गल जाता है, अंदर से रूट रॉट होके जो है प्लांट ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से देखिए दोनों मैंने बॉक्सेस को रेडी कर लिया है और मिट्टी से कवर कर दिया है ऊपर से। आप लोग देख सकते हैं एक भी सीड्स बाहर नहीं दिख रहा, और इस पर हल्के हाथ से मैंने जो है इससे जो है पानी छिड़क दिया है। दूर से मैंने बहुत हल्की हल्की धार से पानी डाला है ताकि हल्का हल्का सा पानी पड़ जाए और मिट्टी जो है भीग जाए, ताकि हमारे सीड्स जो हैं सेट हो जाएं मिट्टी के अंदर सही से। और जब तक पानी नहीं होगा तो सीड्स जो हैं जर्मिनेट नहीं होंगे, गीले नहीं होंगे। तो फ्रेंड इनको किसी ऐसी जगह पर जो है प्लेस करना है जहाँ पर इसे हिलाए डुलाए नहीं कोई, और ये ऐसे ही रखे रहें। और ये मेरे यहाँ पर एक पॉट स्टैंड मेरा रखा हुआ है, इसमें ही मैं इसको नीचे के साइड में रख दूँगी ताकि ये हिले नहीं। और ये अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पर मैंने रख दिया है इसको, यहाँ कोई हिलेगा डुलेगा नहीं, ये बॉक्स ऐसे ही रखे रहेंगे, कोई छुएगा नहीं इसको। तो हिलेंगे डुलेंगे तो उससे जो है ख़राब होने का डर रहता है सीड्स हमारे। अगर सीड्स कहीं खुल गए हैं तो हाथ से उसको कवर कर दीजिए दोबारा से फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा सीड्स लगाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।